विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर कैंपस में यह 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 500 रिसर्च पेपर्स पढ़े जाने हैं जो देश और विदेश के रिसर्च स्कॉलर्स और साइंटिस्ट के द्वारा प्रेजेंट किए जाएंगे। इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, उसको किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन है। इसका टाइटल है रीसेंट ट्रेंड्स इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारी दूसरी इस विषय पे कॉन्फ्रेंस है। पहले कॉन्फ्रेंस के बाद हमें बहुत अच्छा रिस्पांस पार्टिसिपेंट से मिला, जिसके कारण हम इस सेकेंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पाए, और इसके बाद हम आगे जो भी इस विषय पर बातचीत होगी उससे ऐसे कोई सोल्यूशंस निकालेंगे जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें, एनर्जी को कंजर्व कर सकें और रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, जो कि आज का मुख्य मुद्दा है। आज से जो 3 दिन का सेमिनार वीजीयू में हो रहा है, उसका टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूरा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आज फोकस कर रहा है। यूएन काउंसिल हैज डिफाइंड 17 गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें से 169 टारगेट्स है, 232 इंडिकेटर्स है, एंड वीजीयू यूनिवर्सिटी कंसिडर्स ए अपॉर्चुनिटी to spread whatever technology and expertise available in sustainable development at university, वो हम spread करना चाहते हैं। काफ़ी international speaker भी एक conference में participate हो रहे हैं। खुद university का department ने भी काफ़ी research किया है sustainable development पे, energy storage कैसे efficiently कर सकते हैं। electric rickshaw university ने बनाया है, material museum university ने बनाया है, वहाँ हम showcase कर रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इको फ्रेंडली मटेरियल आप कैसे यूज़ कर सकते हो। फॉरेन से भी काफ़ी डेलीगेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एक आज का टॉपिक बन गया पूरा वर्ल्ड के लिए। एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट होगा, अर्बनाइजेशन से एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन में जो एनर्जी यूज़ हो रहा है उससे एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट हो सकता है। राजस्थान में सोलर एनर्जी पॉपुलर हो रहा है, सो हमारा काफ़ी रिसर्च सोलर एनर्जी में भी हो रहा है। हाउ सोलर एनर्जी कैन बी इफिशियंटली यूज फॉर दर मेनी पर्पज, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए, एंड इवन ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए। यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रिकल रिक्शा बनाया है जो ऑपरेशनल है, इलेक्ट्रिकल रिक्शा ऑपरेशनल है। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है इफिशियंटली हाउ सोलर पैनल कैन बी डिजाइन। जो सोलर एनर्जी कलेक्ट करते हैं वो पैनल का डिजाइन हमारे रिसर्च स्कॉलर अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 2-3 रिसर्च स्कॉलर ये भी देख रहे हैं राजस्थान में सोलर एनर्जी का पोटेंशियल क्या है, बिजनेस पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक व्हीकल राजस्थान में कौन से सेक्टर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल डिप्लॉय कर सकते हैं। स्कूल वन में हो सकता है, राजस्थान में रेलवे स्टेशन टू बस स्टेशन एंड बस स्टेशन टू रेलवे स्टेशन इलेक्ट्रिक रिक्शा वैसे भी चल रहा है। सो ये 3 दिन का सेमिनार काफ़ी स्टूडेंट को हेल्पफुल रहेगा, एक नया डायरेक्शन मिलेगा पार्टिसिपेंट्स को, नया कौन सा मटेरियल रिसर्च करना है, नया कौन सा प्रोसेस रिसर्च करना है और नया कौन सा सिस्टम बनाना है जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरी सोसाइटी को हेल्पफुल बने। थैंक यू।